बात श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को लेकर उठे विवाद की करते हैं। दिल्ली में श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में अब राष्ट्रपति शामिल नहीं होंगे। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल होना था। यमुना किनारे होने वाले इस कार्यक्रम में सेना के इस्तेमाल को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस प्रोग्राम के लिए सेना ने यमुना किनारे एक पुल बनाया है, जिसे लेकर विवाद हुआ है। सेना को इस कार्यक्रम के लिए दो पुल तैयार करने थे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में अहम सुनवाई भी होगी। इस कार्यक्रम को एनजीटी में चुनौती दी गई है। कार्यक्रम को लेकर अनुमति देने पर डीडीए, दिल्ली सरकार और पुलिस ने अपना जवाब दे दिया है। आज इस पर अहम सुनवाई होनी है। रजनीश हमारे संवाददाता इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रजनीश, इस कार्यक्रम से पर्यावरण को, यमुना को कितना नुकसान होगा, सेना का इस्तेमाल क्यों किया गया, ऐसे तमाम सवाल तो हैं ही। सबके बीच दो बड़ी खबरें हैं, एक ये कि राष्ट्रपति नहीं पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में, और दूसरी ये कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आज इस पर क्या रुख अपनाता है, वो भी बहुत अहम है। देखिए तानिया, आज एनजीटी में इस पे सुनवाई होनी है, क्योंकि डीडीए ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। साथ ही जो दिल्ली सरकार है उसके जवाब का इंतजार है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब सभी जवाब एनजीटी के पास पहुंच जाएंगे तो एनजीटी सभी जवाबों को देखते हुए क्या कदम उठाती है, क्या इस प्रोग्राम को पे रोक लगाती है या इसको होने देती है। अगर इस प्रोग्राम पर रोक लगती है तो जाहिर तौर पे आगे सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि एनजीटी आज इस पूरे मामले पे क्या रुख अख्तियार करती है। जी बिल्कुल रजनीश, कुछ ही देर पहले उस जगह पर भी पहुंचे जहां पर भव्य तैयारियां इस कार्यक्रम के लिए की गई हैं और वहां का जायजा भी लिया। रजनीश की रिपोर्ट देखते हैं। शुरू होने वाले विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के लिए तैयारियां जोरों पे हैं। ये महोत्सव यमुना खादर इलाके में हो रहा है और 11 मार्च को ये शुरू हो जाएगा, और इसके लिए जो लोग हैं वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं। सेना के जो जवान हैं वो दिन रात एक करके यमुना के ऊपर एक ऐसा पुल तैयार कर रहे हैं ताकि लोग बिना किसी विघ्न बाधा के इस यमुना के ऊपर से उस पुल के जरिए जो महोत्सव तक पहुंच सके। सामने जो आप पुल देख रहे हैं, इस पुल को जो सेना ने दो दिन के अंदर तैयार कर लिया, करीब 316 मीटर का ये पुल है, और इस पुल को दो दिन के अंदर तैयार करने का टारगेट था और जो सेना ने टारगेट पूरा कर लिया। जिस पुल के ऊपर इस समय हम खड़े हुए हैं, ये पुल भी जो तैयार करने का जो टारगेट है, इसे भी दो दिन का टारगेट सेना ने लिया है और करीब आधे से ज्यादा ये पुल बन चुका है। कल सुबह से ये पुल बनना शुरू हुआ था। सेना के जवान दिन रात इस पुल को तैयार करने में लगे हुए हैं और ये जो प्रयास किया जा रहा है कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे तक इस पुल को भी तैयार कर लिया जाएगा। सेना के जवानों के द्वारा महज 4 दिनों के अंदर दो पुल को तैयार कर लेना बहुत बड़ी बात है, और अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी सेना के जवान जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तय समय सीमा के अंदर इस पुल को भी तैयार कर लिया जाए। बात की जाए इन दोनों ही पुलों की, तो इन दोनों ही पुलों की जो लंबाई है वो 316 मीटर के करीब है और जो क्षमता है वो करीब 40 टन तक है, यानी लोग जो है वो पैदल तो इन दोनों ही पुलों के ऊपर से गुजर सकते हैं, साथ ही जो लोग अपने वाहनों के द्वारा, जो गाड़ी के द्वारा, जो कार के द्वारा यहाँ पे आना आएंगे, या बाइक के द्वारा या ट्रक के द्वारा कोई सामान यहां से बाहर ले जाना हो या बाहर से यहां पे लाना हो, तो इन पुलों के जरिए भी उन ट्रकों में सामान लादकर जो महोत्सव के स्थान तक पहुंचा जा सकता है। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से सेना ने 4 दिन के अंदर दो पुलों को तैयार करने का जो बीड़ा उठाया था वो मंगलवार शाम 5 बजे तक पूरा हो जाएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 4 दिन में दो पुल, ऐसे पुल तैयार कर लेना जिन पे 40 टन तक जो सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। फिलहाल तैयारियां की जा रही हैं और प्रयास किया जा रहा है कि मंगलवार शाम 6 बजे तक ये पुल भी तैयार हो जाए। कैमरामैन मोहित कैसले के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सेना के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस बीच नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आज क्या फैसला लेता है उस पर भी नजरें टिकी हैं, क्या ये कार्यक्रम होगा या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं।